आदित्य मैं सवाल पूछू <laughs> पूछो पूछो <पुछा। laughs> लोल मजाक नहीं है बट यार बताओ ये टॉप क्रिमिनल जो आ रहा है इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है तुम निकालोगे या नहीं निकालोगे मन तो ललचा रहा है बट ऐसा है कि भाई पैसा ना चाहे पैसा ना चाहे बट बट ये क्या मतलब तुम तरी? दूसरों को क्या बोलोगे दूसरों को क्या बोलोगे अपनी अपनी सोच है भाई जिसको जो लेना है ले ले मतलब क्या तुम्हारे लिए क्या लगता है कि लेना सही रहेगा या लेना नहीं मतलब ना लेना पैसा इवेंट आता है ओके तो ये पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा पहले आई I मीन mean, सुबह को क्रिमिनल आएगा और अभी एक डेढ़ बजे कुछ बज चुके है और अभी मैं जागा हुआ था जस्ट मैं सोच रहा था कि अभी आ जाएगा क्रिमिनल बट आया नहीं है तो उससे पहले मैं एक चीज बता दू देखो यार क्यों ना ले इसके बारे में तो हम आने के बाद बता देंगे ऑब्वियसली सुबह को मुझे दोबारा से उठ के वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बट हाँ आने से पहले एक चीज बता दू अगर लेना चाहते हो ना तो उसके पीछे एक दो रीजन्स है बट हालांकि वो सभी रीजन्स जो है बेफालतू के रीजनस है मतलब कोई मतलब नहीं बनता है बट स्टिल अगर बोले तो गेम के हिसाब से दो एक दो चीजें बनती है जिसकी वजह से आपको शायद से लेना चाहिए क्रिमिनल बंडल को अगर जेब में पैसों की कमी नहीं है तो जितना चाहे लगा सकते हो मैं बोलने वाला होता भी कौन हूं बट स्टिल मैं इस चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग खरीदते हो ना तो इसमें एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे एक चीज का दावा इन लोगों ने किया है कि ट्वेल्व मंथ्स तक ये वापस नहीं आने वाला है मतलब अगले एक साल की गारंटी आपको मिल जाती है कि कहीं पर भी ये इवेंट ऐसा कुछ नहीं आएगा जहां पे न्यू क्रिमिनल वापस आए तो हाँ एक साल के लिए आप लोग शायद इन्वेस्टमेंट करके अपने अंदर सेटिस्फेक्शन काइंड ऑफ ला सकते हो कि हाँ गेम में मेरे पास एक ऐसा बंडल है जो बहुतों के पास नहीं है और पता है इससे एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या होने वाला है मतलब अभी के टाइम पे गेम का ना कुछ ऐसा सीन होकर पड़ा है कि लोग टॉप अप कर नहीं रहे ज़्यादा तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि बहुत सारे कम ही लोग आई थिंक बहुत कम ही लोग जो है इसको निकालने में सक्षम होंगे और उसमें से आप भी अगर एक बन गए तो आने वाले एक साल के अंदर अगर गेम दोबारा से रिवाइव कर भी जाती है आई I मीन mean, हाँ हो सकता है ऐसा तो अगर ऐसा कुछ चांस हो जाए तो शायद से आप वही वही रेयर वाला एक दोबारा से एटीट्यूड लेके घूम सकते हो हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है बट स्टिल इसको लेने का एक वही वजह बनता है कि हाँ चलो अगर उड़ाना है तो यही एक काम कर सकते हैं हम लोग तो 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 फाइनली जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वैसे मैं नहीं कर रहा था यार बा बाकी सब लोग कर रहे थे कि यार क्रिमिनल आ जाए क्रिमिनल आ जाए लो भैया आ गया और वो भी टॉप वाला आ गया नियॉन के साथ एक नया नियॉन क्रिमिनल बंडल आज सुबह को ही आया है मैंने सोचा रात बारह को आएगा लेकिन नहीं आया लेकिन हाँ वही इवेंट आया है जिसपे आना सबसे बड़ा पाप है तो एक स्पिन का 40 डायमंड लगने वाला है पांच स्पिन के अलावा मिलने भी नहीं वाला है एक स्पिन करके मतलब लिटरली किसी को मिला है क्या मुझे बताना है एक स्पिन 40 पे है किसी को मिलता भी है बहुत बहुत रेयर चांसेस है

चार से पांच हजार रुपए देखो इनको पैसा कमाना है इसीलिए वो हर एक चीज वापस कर सकते हैं जो भी रेयर नाम की चीजें हम लोग गेम में बोला करते थे वैसे मैं कभी नहीं बोलता था रेयर पता है किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में रियलिटी में रेयर किस चीज़ को बोलते हैं जो चीज कभी बनाई नहीं जा सकती है वो कुदरत के ऊपर है नेचर के ऊपर है कि वो हमें उतना ही लिमिटेड मिल सकता है लेकिन इसके ऊपर भाई एक बंदे का एक कंपनी का एक मतलब पूरे टीम का भाई कंट्रोल है वो कभी भी चाहे डिजाइन करके भेज सकते हैं उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है एनी टाइम वो चाहे मन मर्जी में अपने अपने हिसाब से वो कर सकते हैं अगर चाहे तो आज के आज वो बना के भेज दे इवेंट के जरिए उनको बस पैसों से मतलब है तो भाई इसको हम लोग रेयर क्यों बोले क्योंकि ये कभी आया नहीं लो भाई आ गया दैट इज द सीन मुझे तो इवेंट का नाम देख के हंसी आ रही है ग्लिच एसेंशन मतलब पिछले वाले इवेंट से शायद कुछ ज्यादा ही सदमा लग गया ये लोग खुद मान रहे कि हमारे गेम का एक्चुअल थीम ही ग्लिच है तो इवेंट दे दिया यार <laughs> बाकी वन मोर थिंग आई वुड से कि अगर आज तक एक भी पैसा लगाया नहीं है गेम में तो शायद जिंदगी में एक बार फर्स्ट टाइम लगा सकते हो अगर बहुत चाहत है ना तो एक बार लगा के देख सकते हो वन टाइम एक बार के लिए बट इतना भी नहीं कि भाई सब कुछ चला जाए एक बार में क्योंकि आई थिंक कि चार से पाँच हज़ार डायमंड के नीचे ये निकलने नहीं वाला है और अगर टॉप अप नहीं करते हो तो शायद से दो हज़ार ढाई हजार के बीच में निकल जाए लक की बात है ना यार आई डोंट नो देखो पर्सनली हम लोग आजकल कैसे हो गए पता है कि हम लोग ना बेफालतू की चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट करना पसंद करते हैं रेदर देन कोई काम की चीज़ मतलब सीरियसली अगर हम लोग रियल लाइफ में अपने लिए कोई कपड़ा भी खरीद ले ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन हम लोग उसकी जगह पे गेम के पीछे हज़ार दो हज़ार रुपये लगा के वहाँ से एक एक बंडल निकाल रहे हैं मतलब समझ रहे हो गेम के कैरेक्टर को पहनाने के लिए हम लोग वहाँ पर खर्च कर रहे हैं खुद को पहनाने के लिए कुछ नहीं गजब यार बट देखो ये जो रेयर वगैरह के पीछे आज तक हम लोग भागते आए ना एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसको बनाने वाले हम ही लोग हैं और इसको तोड़ने वाले भी हम ही लोग होंगे अंतिम में आज से पाँच साल बाद दो अभी से देख रहे हो ऑलरेडी बट दो तीन साल चार साल बाद जाके तुम्हारे दोस्त नहीं खेलने वाले गेम किसको दिखाओगे किसको बोलोगे कि मेरे पास ये रेयर बंडल है उस टाइम पर ना ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी बाद में जाके क्योंकि एक साल की है उसके बाद भाई कभी भी ये वापस आ सकता है और ऊपर से भाई तुम खुद गेम छोड़ दोगे कुछ सालों के अंदर अंदर या अभी से तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा करके गे, गेम से उतरने लगा है तो या यू कैन सी द चेंजेस कि भाई ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती रहती है तो तुम्हारे पास बस आज का या कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों तक ये खुशी जो है रहने वाली है उसके बाद ये पैसा जो तुमने लगाया ये ना तो कोई काम का रहेगा ना ये जो बंडल लेके तुम दो दिन का खुशी मनाओगे ये भी कुछ काम का रह जाएगा तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा बहुत सारे पैसे कमाते हैं ना फिर भी अगर उनको पता चला कि मेरे बेटे ने गेम में पैसा लगाया है या फिर वो लगाता है तो वो आपको डांटने वाले हैं ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहेगा यार तुम लगाओ ना तुम खाना खाओ तुम दोस्तों में उड़ाओ पार्टी चार्टी करो वो ठीक है चल जाता है फिर भी बट एक गेम में पैसा उड़ाना आई डोंट थिंक इट इज सो मच गुड थिंग आई पर्सनली थिंक कि गेम का बैन होना बहुत सही था और ज़रूरी भी था बिकॉज बहुत सारे लोग इस गेम को अपनी दुनिया मान चुके थे गेम के बाहर तो उनको कुछ नजर ही नहीं आता था बाहर जाओ स्कूल में जाओ ट्यूशन जाओ कुछ भी करो हमेशा गेम की बातें और ऊपर से ये बंडल निकाल लिया वो बंडल निकाला इन सब की बात है लेकिन गेम बैन होने के बाद कहीं ना कहीं इनको अचानक से ये फील हुआ भाई हमारे साथ ये क्या हो रहा था कहाँ खोए थे हम लोग किस चीज़ के अंदर डूबे हुए थे हम लोग अचानक से उनको फील होना शुरू हुआ अरे भाई इन सब पे क्या रखा है बंडल्स में क्या रखा है और गरीना को सीरियसली पता है अभी गरीना को पैसों की ज़रूरत है कम से कम फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट इनकम गरीना को इंडिया से जाती थी यहाँ पे इतने सारे टॉप अप होते हैं बाहर में जाके देखो टॉप अप कम होते हैं और इंडिया में इवेंट्स की वजह से इसीलिए गेम इतना पॉपुलर हो चुका है नॉट ओनली फ्री फायर बल्कि बी में भी वही सेम सीन था हमारे देश में लोगों को ज़्यादातर दिखावा करने में बहुत मज़ा आता है मतलब किसी के पास अगर आईफोन खरीदने का उतना औकात हो भी ना ना तो भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ वगैरह करके आईफोन खरीद लेगा ताकि उसके पॉकेट में अगर एक आईफोन है आसपास के चार पाँच लोग देख के बोलेंगे अरे बेटे देख भाई आईफोन लेके घूम रहा है यार बहुत बढ़िया बात है तो ये सभी चीज़ें ना थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा अब से हमें यार क्योंकि शो ऑफ दो दिन का खेल है बस वो दो दिन आपको देखेंगे तालियाँ मारेंगे फिर वो जाए चल चले जाएंगे सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे किसी को परवाह नहीं है कि आपके आईफोन के साथ क्या हुआ नहीं हुआ बस उनको दो दिन का वो ताली सुनने के लिए यार अपना सारा पैसा ऐसे सो गाइस चॉइस इज़ योर्स मैं अभी भी बोल रहा हूँ देखो यार खुद के चॉइस के ऊपर है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे पास ऐसा पैसा है जिसको तुम गेम में ऐसे ही उड़ा सकते हो तो देखो यहाँ पे मेरे बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा है बट हाँ मैं अगर बोलूँ तो मैं शायद से मुझे अभी भी पता नहीं देखो आई एम नॉट श्योर बट शायद से मैं निकलने की एक बार कोशिश कर सकता हूँ खुद करता हूँ कुछ कमाता हूँ तो हक बनता है ना कुछ करूँ बट आई डोंट नो मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ देखो मैं खुद भी नहीं निकाल सकता अगर निकालता हूँ तो वो भी शायद मैं वीडियो या फिर लाइव में आके करूंगा कुछ बट अभी तो फिलहाल के लिए मैंने कुछ सोच नहीं रखा है पता है नहीं यार एक्साइटमेंट अगर आ जाती है तो अचानक से मैं निकाल लूंगा बट फिलहाल के लिए तो गेम का भविष्य भी कुछ सही नहीं दिख रहा है सो so, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है ऑल्सो तो यार आपकी क्या सोच है आप कमेंट में जाते जाते बताते जाना अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर करते जाना बाकी यार चलो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थे। मुझे पता था इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि मैं क्या अपनी राय दूंगा बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज बट ये आपके खुद के डिसीजन के ऊपर है आप क्या सोचते हो नहीं सोचते हो बाकी तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू टुमोर गुड बाय एंड लव यूर